डियर चिल्ड्रेन, मैं दुराचंद दास स्वागत करता हूँ आप सभी का। बच्चों, हम लोग क्लास 5 के मैथ को बना रहे हैं और उसमें जो है चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर 2 को हम लोग बनाना शुरू करेंगे। तो चैप्टर 2 को बनाने से पहले हम लोग थोड़ा उसमें समझ लेते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें दिया हुआ है जो हमें इस चैप्टर में मिलेगा। तो आइए हम लोग पहले इसको देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें दिया हुआ है जो हम लोग को जानने की आवश्यकता है। क्लास 5 मैथ चैप्टर 2, इसमें नंबर्स एंड नंबर नेम्स, इसके बारे में पढ़ना है हम लोगों को। तो इंट्रोड्यूसिंग दिया हुआ है, इंट्रोड्यूसिंग आप लोगों को मतलब इससे कुछ परिचय हो लेना है इस चैप्टर के बारे में, क्या दिया हुआ है इस चैप्टर में। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 1 नंबर में एक लिस्ट मैंने तैयार किया है जो लगभग इन्हीं चीज़ों के आसपास हम लोगों को मिलेगा, और इन चीज़ों के बारे में हम लोग अगर थोड़ा भी नॉलेज रहेगा तो हम लोग इस चैप्टर को आसानी से बना सकेंगे। तो फर्स्ट में दिया हुआ है द इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के बारे में जानना है। उसके बाद इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट के बारे में जानना है और रोमन नंबर्स के बारे में जानना है। तो देखते हैं हम लोग इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में क्या होता है। तो इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में हम लोग एक चीज़ पढ़ते हैं, ये इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट, इसमें हम लोग पढ़ते हैं वंस, टेंस, ये हो गया वंस, टेंस, टेन थाउजेंड्स के बाद लाख हो गया, लाख को लैक भी पढ़ा जाता है, एल ए सी, इस तरह से लाख भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ये इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट हो गया। इसके बारे में हम लोग को जरूर जानना है। तो आप लोग क्लास 4 में पढ़ चुके होंगे, फिर भी एक बार इसको रिपीट कर लेना है। बार बार देने का मतलब मैं बतला चुका हूं कि इस क्लास में पढ़ें फिर अगले क्लास में पढ़ते हैं, इस तरह देने का रीज़न यही होता है कि बच्चों को एक बार में कंप्लीट वो सीख नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, तो इसीलिए वो बार बार क्लास में रिपीट किया जाता है। जैसे कि आप 4 क्लास में इसको पढ़ चुके होंगे, तो फिर भी ये 5 क्लास में दिया हुआ है, इसका मतलब यही है कि ये आपका रिपीट हो जाए और आपको बढ़िया से याद हो जाए। यहाँ पर जो है वंस में क्या होता है, 1 होता है, टेंस में 10 होता है, हंड्रेड्स में 100 होता है, थाउजेंड्स, उसके बाद 10 करोड़ में 100,000, 10,000 लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ये हो गया। और इसका एक प्लेस वैल्यू बना रहता है, यहाँ से आपका ये हो गया, जिस तरह से कुमा लगाया जाता है, तो यानी यहाँ पे हो गया, ये हो गया, ये नहीं होगा है, यहाँ पे 100, 1, 10, 100, ये जो है एक घर में आ जाता है। इसके बाद यहाँ पे जो है 1,000 एंड 1,000 एंड 10,000 एक घर में आ जाएगा ये, उसके बाद ये लाख, 10 लाख एक घर में आ जाएगा, और फिर करोड़, 10 करोड़ ये आ जाएगा। तो इसी तरह से कॉमा भी लगाया जाता है, आप लोग 4 क्लास में पढ़ चुके होंगे, ये जो है यूनिट में आ जाता है, यूनिट्स, यूनिट्स हो गया, और इसके बाद जो है ये आ गया आपका थाउजेंड्स, थाउजेंड्स घर में आ जाएगा, ये हो गया थाउजेंड्स, और ये हो गया लाख्स, और ये हो गया करोड़्स, ये हो गया। इस तरह से आप लोगों को याद रखना है, जब कोमा लगाया जाएगा तो इस हिसाब से कोमा लगता है, फर्स्ट में जो है 3 लगेगा, उसके बाद 2 करके लगता है। अब हम लोग आगे देखेंगे इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। तो यहाँ पे इसमें तो होने वाला नहीं है, इसको पलट देते हैं, ये हो गया। इसमें क्या होता है, इसमें भी उसी तरह का चलता है। तो ये हो गया वंस, टेंस, 10,000 तक सेम रहता है, 10,000 यहाँ तक सेम है, 10,000 तक सेम है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 100,000, यहाँ से बदलाव हो जाता है, 100,000, इसको हम इस तरह से लिखेंगे, इसको भी एक ये कर लेंगे, जैसे वंस में 1 आ गया, टेंस में 10 आ गया, हंड्रेड्स में 100 आ गया, थाउजेंड्स में 1,000 आ गया। इसके आगे भी होता है लेकिन आप लोग को इतना जानना काफ़ी है, ये इस चैप्टर में इससे ज़्यादा आप लोग को मिलने वाला नहीं है। तो ये जो चीज़ है उसके बाद ये जो है बंट जाएगा आपका, इसका जो स्पेस बंटेगा यहाँ से, ये हो जाएगा यूनिट में, उसके बाद यहाँ पे 1,000 में हो जाएगा, ये 3-3 घर चलता है। यहाँ पे जब कॉमा लगाया जाता है तो फर्स्ट 3 लिया जाता है, फिर 3 लिया जाता है, फिर 3, इसमें 3-3 चलता है। और इंडियन प्लेस वैल्यू में क्या होता है, फर्स्ट में 3 लिया जाता है, उसके बाद 2-2 चलने लगता है। तो आप लोग 4 क्लास में जो बच्चे अच्छे से बनाए होंगे उसको पता होगा, और जो नहीं बनाए होंगे इस क्लास में बनाने के बाद उसका जो है डाउट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे ये यूनिट्स घर हो गया, यूनिट्स, ये हो गया थाउजेंड्स, ये थाउजेंड्स हो गया, और ये हो गया मिलियंस,
ई मिलियंस हो गया, इस तरह से बट जाएगा। तो इसको जो है आप लोगों को याद कर लेना है, एक बार रिपीट करना है आप लोगों को, लिखना है एक दो बार लिखना है, जब तक आपको डाउट लगेगा कि डाउट क्लियर नहीं हुआ तब तक जो है आप एक दो बार लिख सकते हैं। उसके बाद रोमन नंबर आ गया, तो रोमन नंबर को हम लोग, रोमन नंबर काफ़ी आसान है, एक बार ध्यान देने से आप लोग सीख जाएंगे। रोमन नंबर में यूज होता है इंग्लिश लेटर यूज होता है, जिसमें से फर्स्ट में वन के लिए आप लोग जैसे यूज करते हैं वन आई हो गया, आप स्मॉल आई भी यूज कर सकते हैं, उसके बाद भी यूज हो गया जिसको फाइव के लिए यूज किया जाता है, उसके बाद एक्स यूज करते हैं टेन के लिए, और फिर एल यूज करते हैं फिफ्टी के लिए, और सी यूज करते हैं हंड्रेड के लिए, फिर डी डी हो गया, और एम हो गया, और फिर एम हो गया, सी यूज करते हैं हंड्रेड के लिए, और डी यूज करते हैं फाइव हंड्रेड के लिए, और एम यूज करते हैं वन थाउजेंड के लिए। तो आजकल जो है एम के जगह पे के भी यूज किया जाता है, के, ये हो गया, आप एम मान के चलिए क्योंकि आपके बुक में ये दिया हुआ है, आप इसी को रखिए। इसमें क्या है कि आप एक चीज़ जान लीजिए, कोई भी चीज़ यहाँ पे जो देख रहे हैं, कोई भी चीज़ थ्री बार रिपीट हो सकता है लेकिन फोर बार रिपीट नहीं होगा। इसका कुछ काउंटिंग हम लिख देते हैं ताकि आप लोग बेहतर समझ जाएंगे। इस तरह से वन टू टेन हो गया, आप यहाँ पे देख रहे हैं वन के लिए वन एक आई लगा हुआ है, टू के लिए टू आई, थ्री के लिए थ्री आई, अब ये थ्री फोर नहीं हो सकता, फोर कोई भी चीज़ रिपीट नहीं होता है। तो फोर के लिए क्या किया गया, फाइव लिया गया भी, और उसमें से वन इधर लिखा गया, ये माइनस हो गया वन तो फोर बन गया, ये फाइव हो गया इधर लिखा गया तो वन जुड़ गया, सिक्स हो गया इधर, फिर टू जुड़ गया सेवन, थ्री जुड़ गया तो एट हो गया, और फिर नाइन के लिए ये टेन लिखने के बाद ये इसको इधर वन काट दिया गया तो ये नाइन हो गया नाइन, और ये फिर टेन, फिर वन टेन में वन जुड़ेगा तो एलेवन हो जाएगा, इस तरह से चलते जाएगा। इस तरह से चलते हुए ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी सिक्सटी सेवेंटी एट्टी इसको लिखते हैं, 20 के लिए ये हो गया, 30 के लिए ट्रिपल एक्स हो गया, 40 के लिए एक्स एल, ये 50 है, 50 में से 10 माइनस हो गया तो 40 हो गया, और ये एल 50 हो गया, फिर ये 60 हो गया एल एक्स, एल डबल एक्स लगा देंगे 70 हो गया, एल ट्रिपल एक्स लगा देंगे तो ये 80 हो गया, और 90 के लिए 90 के लिए क्या करेंगे हम लोग, एक्स सी लिखेंगे, ये 100 है 100 में माइनस टेन हो गया तो ये 90 हो गया, और 100 के लिए 100 के लिए हम लोग सी लिखते हैं, ये कंप्लीट हो गया, और 500 के लिए डी लिखते हैं, ये डी 500, और 1000 के लिए एम लिखते हैं। आप अगर इतना रोमन नंबर जानते हैं तब सारे रोमन नंबर जो चैप्टर में दिया हुआ है सबको आप डील कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इस इसमें जितना भी बतलाया गया है तो इसी के अंदर में सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसी से रिलेटेड दिए हुए हैं, तो आप इसको एक दो बार रिपीट करके देख सकते हैं, आपको सारा समझ में आ जाएगा। और इस चैप्टर का जो भी वीडियो होगा आपको इस, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ इंट्रोडक्शन वीडियो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियो का लिंक दिया हुआ रहेगा इस चैप्टर का, और इसी तरह के जो भी चैप्टर बनाए जाएंगे उसका जो इंट्रोडक्शन वीडियो होगा उस वीडियो में सारा उस एक्सरसाइज, उस चैप्टर का जितने भी एक्सरसाइज वीडियो बनेगा वो सारा उस इंट्रोडक्शन वीडियो में उसका लिंक दिया हुआ रहेगा, वहाँ से आप लोगों को ढूंढने में दिक्कत नहीं होगा। आप लोगों को कोई एक वीडियो मिलता है फिर दूसरा वीडियो नहीं मिलता है तो आप परेशान हो जाते हैं, तो आप लोग वहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर लेंगे, वहाँ सारा लिंक दिया हुआ रहेगा, आपको पता चल जाएगा कि कितना वीडियो इसका आ चुका है और कितना वीडियो नहीं आया है। तो इस तरह से आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। तो आप लोगों को अगर हमारी वीडियो से मदद मिल रहा है तो आप हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आइए हम लोग एक्सरसाइज टू को कंप्लीट करते हैं।